हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंदिरा सुबह का नाश्ता बनाकर अपने पति राघव और सास सुमती को नाश्ते के लिए बुलाने के लिए आवाज देती है। माँ जी, राघव जी, नीचे आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए, मुझे बहुत काम है। मंदिरा की आवाज़ सुनकर सुमती और राघव नाश्ते के लिए आते हैं और टेबल पर बैठकर कहते हैं, आज तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? काम तो रोज ही होते हैं, लेकिन रोज तो ऐसे नहीं बोलती कि आकर नाश्ता कर लो, मुझे बहुत काम है। अरे बेटा, सच में इसको काम है। वो क्या है ना, हमारी पड़ोसन कमला के घर भंडारा होने वाला है, तो उसने बहू से मदद मांगी है कि जरा सब्जियां लेने में उसकी मदद कर दे, तो इसको बड़ी मंडी जाना है उसके साथ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ जी, इसीलिए अब नाश्ता कर लीजिए ताकि मैं निकलूं उनके साथ। मंदिरा अपने पति और सास को नाश्ता करवा कर खुद तैयार होकर अपनी पड़ोसन कमला के घर जाती है, जहाँ कमला सामान की लिस्ट बना रही थी और मंदिरा को आते देखकर कहती है, अरे मंदिरा बहू आ गई, आ बैठ, देख जरा मैंने लिस्ट बनाई है सब्जियों की, तो तू एक बार देख ले, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, अब मुझे याद भी तो नहीं रहती चीजें। ठीक है आंटी जी, लाइए मैं देख लेती हूँ, आप जब तक तैयार हो जाइए फिर सब्जी लेने निकलते हैं, बाद में जाए तो पता चले कि मंडी में बासी सब्जी मिली सारी। ठीक है बहू, 5 मिनट दे, मैं अभी आती हूँ। 5 मिनट बाद कमला संग मंदिरा सब्जी मंडी के लिए निकल जाती है, जहाँ मंदिरा अपनी बार्गेनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके अच्छे कम दामों पर कमला को सारी सब्जियाँ दिलवाती है, जिसके बाद दोनों घर आती है। तो मंदिरा को गाड़ी से सब्जियाँ उतारते देख कर मोहल्ले की कुछ औरतें आपस में खुसुर पुसुर करते हुए एक दूसरे से कहती है, देखो तो बहन, सुमति की बहू को कमला के घर भंडारा है तो अब उसके घर में ही दिखती है ज्यादातर। अरे ऐसे लोग पता नहीं कितने चाव से मोहल्ले में पड़ोसियों के घर होने वाले भंडारे का इंतजार करते हैं, ताकि 2-3 दिन का खाने का इंतजाम हो जाए। वो तो है ही, अब देखना भंडारे का खाना तो आएगा ही सुमति बहन के घर, और उसके बाद अगर कुछ सब्जियां बच जाएगी तो वो भी कमला बहन इनके ही घर दे देगी। आखिर आगे पीछे घूमने का यही तो फायदा है, पड़ोसन के घर भंडारे का यही लोग तो फायदा उठाएंगे। औरतें आपस में खुसर पुसर कर रही थी, लेकिन उनकी ये सारी बातें अपनी बालकनी पर खड़ा राघव सुन लेता है, जो गुस्से में नीचे हॉल में आकर कहता है, माँ मंदिरा को अभी के अभी घर बुलाओ। अरे क्या हो गया, पता नहीं है क्या तुझे कि पड़ोसन के घर भंडारा है और वो उनकी मदद के लिए गई है? तो भंडारा पड़ोसन के घर है, मंदिरा को चौधरी बनने की क्या जरूरत है? हमारे घर में खाना नहीं है क्या खाने को? उसको दूसरों के घर भंडारे में इतना इंटरेस्ट है। पागल तो नहीं हो गया है तू राघव? अरे अचानक क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? सुमती कुछ ज्यादा पूछती इससे पहले ही मंदिरा घर आती है और उसके हाथों में कुछ सब्जियां होती है। ये देखकर राघव मंदिरा से सब्जी का थैला लेते हुए कहता है, हमारे घर में खाने की क्या कमी है जो तुम पड़ोसन से सब्जियां लेकर आ रही हो? क्या हुआ आपको, क्यों बेवजह चिल्ला रहे हैं? और ये सब्जियां पड़ोसन की नहीं, हमारी है, मैं अपने पैसों से लेकर गई थी ताकि मंडी से सब्जियां ले आऊं, इतनी दूर जाने का कुछ तो फायदा हमें भी हो। फायदे के चक्कर में तुम पड़ोसन के घर भंडारे के समय खाना भी पैक करवा के घर ले आओगी और 2-3 दिन नहीं बनाना पड़ेगा, फायदा होगा तुम्हारा। आपका दिमाग तो नहीं घूमा हुआ, क्या बोले जा रहे हो अचानक से? तुम अब पड़ोसन के घर भंडारे से रिलेटेड किसी भी काम के लिए नहीं जाओगी और ना ही हमारे घर से कोई भंडारे के लिए जाएगा, समझी तुम? राघव इतना बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और मंदिरा व सुमती को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब राघव ने मना कर दिया था कि पड़ोसन के घर किसी काम से नहीं जाना। लेकिन अगले ही दिन कमला सुमती के घर आकर मंदिरा को बुलाते हुए कहती है, अरे मंदिरा बहू कहाँ है, बाहर तो आ जरा। मंदिरा के साथ साथ राघव और सुमती भी बाहर आते हैं, जिसके बाद कमला सबको देखकर मंदिरा से कहती है, अरे मंदिरा बहू जरा मेरी मदद कर दे, वो क्या है ना, भंडारे के लिए इतनी सब्जियां हैं, उनको धोकर काटना है, मेरे अकेले के बस की बात नहीं, मेरी मदद कर दे बेटा। कमला की ये बात सुनकर मंदिरा राघव की तरफ देखती है, जिसके बाद राघव गुस्से में मंदिरा को घूरता है, लेकिन तभी सुमती मंदिरा को देखते हुए कहती है, बहू जा, कमला आंटी बुला रही है, उनकी मदद कर दे, घर के काम मैं देख लूंगी, अब वो अकेली है, उनके पति भी भंडारे वाले दिन आएंगे तो उनको मदद तो चाहिए ही, तो तू जा, कुछ होगा तो मैं खुद देख लूंगी यहाँ। राघव घूरता रह जाता है, लेकिन मंदिरा अपनी सास की बात मानकर कमला के साथ चली जाती है। अब लगभग 2-3 घंटे बाद मंदिरा कमला का सारा काम खत्म करवा कर अपने घर आती है, जिस पर राघव हॉल में बैठा उसको आते देख कहता है,
आखिर कर ही ली तुमने अपने मन की, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना इस घर में। आपको क्या हुआ है, कमला आंटी ने आपका क्या बिगाड़ दिया जो आप उनकी मदद करने से मना कर रहे हैं? अरे वो सामने से मदद मांगने आई थी तो मना कर देती। रहने दे बहू, इसको कोई सफाई मत दे। अरे रहना इसको थोड़ी है पूरा दिन, हमें रहना है। पड़ोसियों की मदद नहीं करेंगे तो क्या वो कभी हमारे काम आएंगे? यही पड़ोसी जब उल्टा सीधा बोलेंगे ना, तब देखता हूँ कौन मदद करेगा। राघव के इस बदले स्वभाव के कारण सुमति और मंदिरा दोनों ही नहीं जान पाती, लेकिन एक पड़ोसी होने के नाते मंदिरा कमला की मदद करने से पीछे नहीं हटती और पड़ोसन के घर होने वाले भंडारे में मंदिरा बढ़ चढ़ कर उसकी मदद कर रही थी। और आखिरी दो दिन बाद वो दिन आ ही जाता है, कमला के घर भंडारा था। उससे पहले पूजा में कमला और मंदिरा साथ बैठी थी। ये देखकर वहाँ बैठी दूसरी पड़ोसन कहती है, देखो बहन, आज भी सुमति की बहुत चिपकी पड़ी है कमला बहन से। सच में पड़ोसन के भंडारा न हो गया कि शादी हो गई जो डेरा लगाकर बैठी है। देखना भंडारे के बाद साफ सफाई करने में इनमें से कोई नहीं दिखेगा। अरे क्या कह सकते हैं बहन, इस बार उन औरतों के पीछे बैठी सुमति उनकी बातें सुनती है। जो खुद से कहती है, लगता है राघव ने भी ऐसे ही किसी को खुसर खुसर करते सुना होगा, तभी गुस्सा कर रहा था। लेकिन वो पागल है, इन लोगों का तो काम ही है बोलना। कुछ देर में भंडारा शुरू होता है। कमला, कमला का पति और मंदिरा सभी लोगों को बैठाकर खाना परोसते हैं। सभी खाने में बिजी होते हैं, लेकिन दो चुगलखोर पड़ोसने भंडारा खाने के बाद मंदिरा को आवाज लगाकर कहती है, मंदिरा बहू जरा इस बर्तन में सब्जी डाल दे, वो क्या है ना घर के लिए ले जाऊंगी, तेरे अंकल आ नहीं पाएंगे खाने के लिए। आंटी जी देखिए, अभी एक बार सबको खा लेने दो, फिर कमला आंटी से कहकर आपके घर भिजवा दूंगी। आप बैठिए, आपको भरपेट जितना खाना है उतना खाइए। तेरे घर का भंडारा नहीं है, तेरे पड़ोसन का है। हफ्ते से जमा रही जैसे खुद के घर का हो, और सारा खाना बचाकर अपने घर ले जाना ये बोलना, और ये झूठे बहाने मत बना कि सबको खाना पूरा हो जाएगा तो भिजवा दूंगी। अरे बहन रहने दो, इनके खुद के बर्तन भर जाएं तब तो ये दूसरों को खाने देंगी। राघव ये बात सुन रहा था जो गुस्से में उन दोनों औरतों के पास आने ही वाला था कि उससे पहले कमला वहाँ आती है और उन दोनों से कहती है, ये भगवान का प्रसाद है भंडारा, आपको घर के लिए चाहिए मना नहीं है, लेकिन बस इतनी सी गुजारिश है कि सबके खाने के बाद ले जाइएगा। और रही बात कि मंदिरा के घर का भंडारा नहीं है, तो आप जान लीजिए मेरे से ज्यादा तैयारियाँ इस बच्ची ने की है इस भंडारे की। पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है, ये जानती थी कि मैं अकेली हूँ, इतना सब कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए किसी मौके पर इसने मदद करने से मना नहीं किया। साथ ही इसने मदद करने से पहले बोला भी था कि आंटी भंडारा प्रसाद होता है, इसलिए अगर खाना बचता है तो उनको हम कहीं जाकर गरीबों में बांट देंगे, ना कि आप हमें दो। भंडारे का मतलब होता है भगवान का प्रसाद जो सबको मिले। इसी बहाने कुछ लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता ना, उनको भी खाना मिल जाता है, और हम लोगों के पास सब है तो हमें ऐसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें तो शुक्र मनाना चाहिए भगवान का कि उन्होंने हमें देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं। मंदिरा की बात सुनकर दोनों औरतों को अपने शब्द और किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई, जिसके चलते वो मंदिरा और कमला दोनों से माफी मांगती है। साथ ही ये सब देख रहा राघव भी अपना सारा गुस्सा भुला देता है, और अब मंदिरा के साथ राघव भी भंडारे में आए लोगों को प्यार से बैठाकर खाना खिलाता है, ये भूलकर कि ये भंडारा उनके घर का नहीं, उनकी पड़ोसन के घर का था। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।